नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल इमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों राजस्थान पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है कि अगर आपको कोई भी ज़रूरी कार्य है तो आप इमरजेंसी पास लेकर बाहर जा सकते हैं और अपना काम निपटा सकते हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक न्यूज आई है, तो पहले जानते हैं उस न्यूज के बारे में, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है इमरजेंसी पास लेने के लिए। तो चलते हैं उस न्यूज की तरफ। तो दोस्तों चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान लॉकडाउन के दौरान राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर कर सकेंगे इमरजेंसी पास के लिए आवेदन। तो यहां पर एक ऐप निकाल दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा जो आपको इमरजेंसी पास देने की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ही न्यूज आई हमारे पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस के राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर लॉकडाउन पास के नाम से है फीचर। इस लिंक जो लिंक आपको दिख रहा है SSO का, तो पहले तो आपको वहाँ पर SSO ID बनानी होती है और SSO ID बनाकर आपको वहाँ पर लॉगिन करनी होती है। तो SSO ID के माध्यम से आप लॉगिन कर पाओगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर बात की जाए आगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में 14 अप्रैल 2020 तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। इससे राजस्थान में भी लॉकडाउन जारी है। इस दौरान आमजन को आवश्यक सेवाओं के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं मेडिकल सुविधाओं हेतु घर से बाहर निकलने की आवश्यकता रहती है। ऐसे में आपात वक्त के दौरान इमरजेंसी पास राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राजस्थान पुलिस द्वारा आमजन को राहत देने के लिए राजकोप सिटीजन ऐप पर लॉकडाउन पास के नाम से फीचर दिया गया है। इस सुविधा के लिए आमजन अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद SSO ID से लॉगिन कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लॉगिन के बाद आमजन व्यावसायिक फर्म द्वारा उचित कारणों के साथ आवेदन किया जा सकते हैं, जिस पर संबंधित जिला प्रशासन पुलिस व अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाकर आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन डिजिटल पास जारी होकर संबंधित आवेदक की ईमेल ID पर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको इमरजेंसी पास लेना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ पर आपको राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको SSO ID के माध्यम से लॉगिन करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है और यहाँ पर ये काम कैसे क्या करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है राजकोप। दोस्तों जैसे ही आज राजकोप सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक ऐप आएगा राजकोप सिटीजन। दोस्तों आपको सिंपली इसे ही इंस्टॉल करना है, देख लेना है जिसके आगे सिटीजन लिखा हो वही आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात इसे ओपन करने के बाद, दोस्तों यहाँ पर कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ फिलहाल इसमें प्रॉब्लम चल रही है ऐप के अंदर, तो लॉगिन होने में कभी कभी दिक्कत होती है, कभी लॉगिन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास SSO ID है तो अच्छी बात है, अगर SSO ID नहीं है तो SSO ID कैसे बनाते हैं, तो आप इस लिंक पर जाकर SSO ID बना सकते हैं। अलग ही SSO ID के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख कर वीडियो SSO ID बना सकते हैं। और दोस्तों जब भी ये पूर्ण तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा तो इस पर मैं प्रॉपर एक पूरा का पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, तो तब तक आप वेट करें इंतज़ार करें। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।